हेलो एवरीवन, मैं नाम सह अस्सलाम वालेकुम। मेरा बुशरा, आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आपको पता है भाई, एस जे शंकर जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में भाई वो एससीओ की जो समिट है ना, उसको अटेंड उन्होंने किया। और भाई आते ही उन्होंने जो है ना, बड़े ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया गया। और इसके अलावा भाई आते ही उन्होंने एक अपना चश्मा उतारा है, फिर बाद में एक ब्लैक चश्मा निकाल के वो अपनी आंखों पे अमीर डाला है। तो ये एक स्वैग है उनका, तो भाई वही हम देखने वाले हैं, पाकिस्तानी कितना ज्यादा खुश है उनके आने से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज के वीडियो। चलिए, तेरा बाप आया। बिल्कुल ताजा तरीन अभी की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा दूं, और वो खबर ये है, इंडिया का 4 रुकनी वफ्द एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुँच चुका है। बड़ा ही कहते ना, ग्रैंड स्वागत किया गया। चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे यहाँ पे आया तो। ऐसी बातें ना करे, होता ही ऐसे ही है। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, अच्छी बात है। वो हमारे मुल्क में आए, उन्हें चाहिए रोज आना। लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं? मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब, क्या क्या फिर से, नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते। रंग बदल रही है छोरी। नरेंद्र मोदी साहब, क्या बात जाने जिगर, बीजेपी ज्वाइन कर लिया क्या? दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी। एससीओ मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान में, और उसमें तीर मार लिया पाकिस्तान ने भारतीय विदेश मंत्री को बुलाकर। माशाल्लाह, पाकिस्तान को ये कितना, पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से कम नहीं है। सही बात है, हमारे लिए भारत ने हाँ तो कही। माशाल्लाह, वरना 24 घंटे पहले तक इनको यही लग रहा था कि एन मौके पर जयशंकर साहब मना तो नहीं कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है। और अब पाकिस्तान की सिरदर्दी बढ़ गई है भाई, कि बुला तो लिया है, शेर को बुला तो लिया है, उसके सामने बैठेगा कौन, उससे बात कौन करेगा? लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। और पाकिस्तान तो खच्चरों से भरा पड़ा है, शेर से खच्चर की बातचीत कैसे हो सकती है? लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। और ये बात करेगा तो मुजरा कौन करेगा? हाँ, ये तो यही काम करेगा भाई, दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी। बिल्कुल आसान थोड़ी है भाई, मनोरंजन भी तो करना है उनका, कौन करेगा, यही करेगी बिल्लो। एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कार्पेट पर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। बढ़िया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल दो फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। पाकिस्तान में जयशंकर साहब, कहीं उनको कोई चीज बुरी ना लग जाए। तो भाई पाकिस्तान ने बदल लिया है गिरगिट की तरह से रंग, और वो इसलिए नहीं कि भारत से दोस्ती चाहता है, वो इसलिए कि भारत से थोड़ा माल पानी बनाना चाहता है। पाकिस्तान भिखारी क्या चाहेगा, कटोरे में भी खा जाए। पाकिस्तान में जयशंकर साहब, कहीं उनको कोई चीज बुरी ना लग जाए। बिल्कुल, तकलीफ ना हो, भीख जो चाहिए। अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया, हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे यहाँ पे आया तो। ऐसी बातें ना करे, होता ही ऐसे ही है बेचारा, वो भी बचे। अगर वो मर गया मैं फिर तो गया, फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान। खुशाइन बात तो खैर नहीं है। बहरहाल ये इस तरह है कि पहले भी वो 9 साल पहले आए थे, तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे। अच्छा। अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। बाकी देश पाकिस्तान के लिए टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे बात करेगा कौन? उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर बैठ के तुम्हारे मिट्टी पलीद करेंगे वो, वहीं पर बैठ कर छठी का दूध याद दिलाएंगे तुम्हें, तुम्हारी ठुकाई होगी। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है। एब्सोल्युटली राइट, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि तुम लोग दुश्मन, कोई शौक नहीं है तुमसे दोस्ती का, बिजनेस मीटिंग है इसलिए आ रहे हैं, कोई शांति के कबूतर उड़ाने नहीं आ रहे। वहाँ तो गलती से कोई कबूतर भी अगर बॉर्डर क्रॉस कर ले तो उनकी दौड़े लग जाती हैं कि जी पाकिस्तान का जो जासूस कबूतर है वो पकड़ लिया गया है। इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ, मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए।
78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर एक सवाल है। हाँ। हमारे जो सियासतदान है, या माजरत के साथ एक लफ्ज बोलने लगा, यहाँ वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, अगर इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं आ रहा? मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर अजय शंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस लिहाज से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि वो इस लिहाज से ना मिल रहे, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ की बात कर लें आप, नवाज शरीफ की बात कर लें, हमजा की कर लें, मरियम, सारे तो करप्शन करने के लिए बैठे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट किस लिहाज से मिलेंगे? हाँ। वो बात मिल ही नहीं सकते। नहीं मिले, अगर जो लीडर मिलता है वो उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। ये ब्लॉग एक बनना चाहिए, जैसे कि रूस के 74 मेंबर्स आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, चाइना से डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले कर सकता है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा सी पैक के ऊपर, के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो उनसे भी अच्छी टर्म्स पे निगोशिएट हो सकता है। पाकिस्तानियों को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट और पूरी दुनिया का जो है वो स्टेक लगा हुआ है ग्वादर के ऊपर, स्पेशली सी पैक के ऊपर, कि हमेशा हमें बुरी नज़रों से देखा गया। अच्छा, ठीक है, कभी वो हमें कहा जाता है, कभी इंडिया को कहा जाता है, बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर बैठी हुई है, दिमागों में बैठी हुई है। हमारा इंडिया भी वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे लोग मरे, ना हमारा पाकिस्तान कभी चाहेगा कि हमारे लोग मरे। अच्छा, हकीकत के अंदर जो बीच में माफिया बैठे हैं वो हमारे दोनों मुल्कों को या किसी भी मुल्क को तबाह करने की कोशिश करते हैं। आप है? चाहेंगे इंडिया चाहेगा कभी किसी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो, क्या पाकिस्तान चाहेगा किसी मंदिर के अंदर या किसी जगह पर ब्लास्ट हो? नहीं, कभी भी चाहेंगे। अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क में आए, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा, हाँ, जारी बात, कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे तालुकात बेहतर हों, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है, हमारा आपको देख लें बेड़ा करके। बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर शहबाज शरीफ हमारे इस मुल्क के वजीर आजम है, वो बादशाह हैं, ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहे तो हमारे वजीर आजम को चाहिए कि वो आ जाएं, हाथ बढ़ाएं, उनको चाय पे बुलाएं, जयशंकर को चाय पे बुलाएं, कैसे भी मैनेज करें शीशे में उतारें एस जयशंकर को कि वो थोड़े बहुत पैसे दे जाएं। कश्मीर की तो बात भूल कर मत करना बेटा, पैसा नहीं मिलेगा एक। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट दो ढाई साल से कोई सीज फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे एंगेज करना और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की, फिर कारगिल की वॉर हुई, और उसके बाद मतलब काफ़ी नुकसान हुआ ना, तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता, तो हमेशा बातचीत से टेबल टॉक के साथ जो है वो बायलेटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। तो कश्मीर का भी जो इशू है वो ज़ाहिर है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो हमें लेने चाहिए। ये हो सकता है, ये तो बकाया दरवाजे नहीं कर सकते, ये मुलाकात करते भी हैं तो आपस में रखते हैं, अदरवाइज आवाम को लड़ा रहे हैं ना आपस में। हाँ। तो आवाम लड़े खुद मरे, हमारा क्या जाना, हमने तो पैसे खाने जो मर्जी करे आवाम। लेकिन इंडिया की आवाम तो पाकिस्तान की आवाम को बड़ा पसंद करती है, तो ये तो बस आपस के प्यार मोहब्बत वाली बात है ना। हाँ। तो वो करेंगे तो इनका कोई जायजा अच्छा होगा ना। हाँ। तो आप भी क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं? नहीं, हम तो नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके अखिलाफात भी अच्छे हैं, ये आगे से इज्जत भी करते हैं, अगर पाकिस्तान की ना करेंगे तो फिर गलत बात है। हाँ। ये सिर्फ हुक्मरान सियासी बयान करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये गलत बात है। हाँ, तो दोस्ती चाहोगे कि दुश्मनी? हम तो दोस्ती चाहेंगे कि इससे बेहतर दोस्ती हो जाए, दुश्मनी ना भी हो। हाँ। कश्मीर आजाद करते तो दोस्ती है, नहीं तो अदरवाइज दुश्मनी तो चल ही रही है। पप्पू प्यारे वही चलेगी, कश्मीर तो तुम्हें ना मिला था, कल ना मिलेगा आज, बल्कि जब तुमने कब जाया हुआ है उसकी बात करेंगे वो कि कब दे रहे ला। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है, करना भी यही चाहिए, उसने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाने के लिए बड़े पापड़ बेलने, क्योंकि दुश्मन है, वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है वो खत्म हो। आलमी तन्हाई बोले तो जो पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया है पूरी दुनिया से, उसके पीछे है भारत, और हम ये गर्व से कहते हैं कि भारत ही है इसके पीछे। वो वहाँ पाकिस्तान से कोई बायलेटरल मीटिंग करने नहीं आए हैं, दिमाग में रखो, मीटिंग थी, आना पड़ा, और भी देश है वहाँ,
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, पांचवीं बड़ी इकोनॉमी भारत है, उसे तीसरी कैसे बनाया जाए, फिर दूसरी और इस तरह से आगे ऊपर कैसे उठा जाए, इस नजरिए से वहां आना पड़ा। अब ख्याल रखना और नाराज मत करना उनको, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ बड़ी जल्दी ही। अभी के लिए दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान चाइना से पैसे ले लेगा, हम इंडिया से जरूरत ही नहीं है, हमारे लिए चाइना ही काफी है। चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को पैसे दे ही देता है, चाहे जैसे मर्जी दे, जो मर्जी पाए, जमीन का कोई टुकड़ा ही ले, लेकिन पैसे वो इनको दे जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में, आप सबको पता है, और इस्लामाबाद पूरा जो है ना उन्होंने बंद, एक लॉकडाउन किया हुआ है। और ऐसा आज ही मैं एक न्यूज देख रही थी कि एस जय शंकर जो है ना वो वॉक पे निकले आओ, और उनके वॉकिंग स्टाइल को ही भाई हमारी मीडिया ने उठा दिया कि भाई ये ऐसा लगता है कि वाकई में कोई लीडर जो है ना वो वॉक कर रहा है ऐसी, मतलब उनका किसी और कंट्री में आके कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा, तो ये बंदा जो है भाई वॉक पे निकला हुआ है, तो जरूरत है तो आखिर निकला हुआ है ना। मोदी साहब भाई बिना सिक्योरिटी के अपने जहाज पे ना बैठ के तो दूसरे पे बैठ के आ गए थे, तो ये फिर एस जय शंकर है, तो हिम्मत की बात तो करनी ही पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा हिम्मत है इनमें। और एस जय शंकर से बात करने के लिए भाई कोई मान नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कोई पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जो उनसे बातचीत कर सके। और एस जय शंकर जो है उन्होंने यही बोला कि भाई हमें कश्मीर पे कोई भी बात नहीं करनी, कश्मीर का जो मुद्दा है ना उसको जो है वो रहने दे। तो सीपैक अम्मी पूछ रही थी भाई क्या है वो पाकिस्तान में से, अम्मी एक जो रोड नहीं होती वो बना रहे हैं जिससे वो दूसरी दुनिया के साथ चाइना वाले जुड़ना चाहते हैं, इमरान खान ने आके ना उसको रोक दिया था सीपैक, वो बोले हैं इससे जो चाइना ना हमारे जमीन का बहुत ज्यादा टुकड़ा के आ रहा है, तो उन्होंने अरबों डॉलर चाइना ने लगाए हुए, लेकिन अभी वो है ना वो बन नहीं पा रहा क्योंकि उसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा है, तो इंडिया जो है ना वो नहीं करने देते क्योंकि वो उनका अपना कश्मीर का जो हिस्सा है ना वो उसमें एक रोड जाती है, तो वो कहते हैं कि हम क्यों करने दे इससे, चाइना बहुत ज्यादा शातिर आदमी बन रहा है, लेकिन भारत ने ये होने ही नहीं दिया और सीपैक जो है वो वहीं पे रुका पड़ा है। तो बोल रहे सीपैक से हमें ये हो जाएगा, सीपैक का सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है वो चाइना को है, चाइना जो है इसीलिए तो पाकिस्तान को पैसे वो हमें पाकिस्तान में से एक रोड बना के दूसरे जो कंट्रीज है ना हमारे उनके तक जाना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें जो कश्मीर की जमीन भी जाती है, तो इंडिया कहता है कि कश्मीर का फैसला तो अभी तक हुआ ही नहीं है कि वो किसका है किसका नहीं है, तो फिर उसमें क्यों बनाने दे, उस पर नहीं बनने देंगी वो, तो इस वजह से चाइना ने अब पैसे देना पाकिस्तान को बंद कर दिए हैं कि अब पाकिस्तान जो है ना वो कोई पैसे नहीं मिलेंगे इनको, क्योंकि वो जो हमने सोचा था कि भाई हमें तो बहुत फायदा होगा, हमें तो अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, ये अब चाइना ने सोचा हुआ है, लेकिन भाई एस जय शंकर आए हुए हैं और हमें अभी तक यही उम्मीद है कि पाकिस्तान में आया तो कुछ अच्छा ही होगा, हमें क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन भाई पैसे वाली कोई बात नहीं है, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमारे लीडर्स को जरूर चाहिए, ये एक बॉर्डर खोल दे इतनी बड़ी बात है। बॉर्डर खोलने का मतलब ही यही है कि पैसे चाहिए हमें, पैसे नहीं चाहिए चीजें इधर उधर से जाए, तो फिर इससे क्या होगा, पैसे आएंगे ना उनको भी चाहिए ना, पैसे हमें ज्यादा आएंगे उनको कम जाएंगे, क्योंकि हमारा कंट्री कोई चीज बनाता ही नहीं है। बात यह है अगर फर्ज करें हमें हमारे कंट्री में चीजें बनना स्टार्ट हो जाए ना तो हम पूरी दुनिया पे पहुंचाए तो वो हमें फायदा है, लेकिन हम दूसरों की बनी बनाई चीजें अपने कंट्री में लाना चाहते हैं तो इससे जो है ना मतलब उनको भी फायदा होगा लेकिन हमें ज्यादा फायदा इस चीज से होगा, लेकिन देखते हैं भाई एस जय शंकर क्या करके जाते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई बड़ा उनका बयान नहीं आया क्योंकि वहां पे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ पीटीवी जा रहा है और पीटीवी वही दिखाता है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है, तो देखते हैं भाई एस जय शंकर अपने कंट्री में आके बताएंगे उन्होंने क्या क्या वहां पे बातें की थी, वरना मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है तो पता कैसे चलेगा भाई उन्होंने बात क्या की है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और दिन, थैंक यू।